नागपुर शहर में पहली बार नागपुर पुलिस ने परीक्षा के दौरान चीटिंग करने वाले एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो परीक्षार्थी की जगह किसी और को बिठाकर पेपर पास करने का दावा करती थी। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों के होने का पता चला है, जिसकी जानकारी पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन ने दी। इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि सरकारी लिपिक के पद के लिए और उपलेखा परीक्षक पद के लिए 106 लाभार्थियों की परीक्षा का आयोजन सहकारिता मुद्रा और वस्त्र उद्योग विभाग ने 23 फरवरी 2020 को डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज दीक्षा भूमि में की गई थी। आरोपी इंद्रजीत बोरकर ने इस परीक्षा में 188 अंकों के उच्चतम स्कोर के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद 11 मार्च 2020 को विभाग ने उसे मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना थी, जिसके बाद इंद्रजीत अपने मूल दस्तावेजों के साथ दिखाई दिया। इस समय यह बात सामने आई कि दोनों दस्तावेजों में हस्ताक्षर अलग थे, इसलिए जब संबंधित विभाग ने लिखित परीक्षा की वीडियो शूटिंग को सत्यापित किया तो यह देखा गया कि इंद्रजीत बोरकर के बजाय किसी अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी थी। उसे संबंधित विभाग के आरोपी इंद्रजीत बोरकर से पूछताछ के दौरान उसने लिखित रूप में स्वीकार किया कि वह खुद परीक्षा के लिए नहीं बैठा और न उसने लिखित परीक्षा के पेपर को हल किया। शिकायतकर्ता द्वारा थाना बजाज नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आरोपी इंद्रजीत केशव बोरकर को गिरफ्तार किया गया। उस समय उसने सूचित किया कि वह वास्तव में उस युवक को नहीं जानती थी जो परीक्षा दे रहे थे और उनके पिता आरोपी केशव बोरकर ने आरोपी हंसराज राठौर के माध्यम से पेपर देने की जानकारी दी। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन ने अधिक जानकारी साझा की। इसमें एक आरोपी है इंद्रजीत केशव बोरकर, इन्होंने एक एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ था, सहकार पनन और वस्त्र उद्योग का एक एग्ज़ाम था जो कि मार्च 2020 में हुआ था। जब एग्ज़ाम होने के बाद फरवरी 2020 में हुआ था मार्च में इसकी ज्वाइनिंग जब थी, ज्वाइनिंग के वक्त इनके सिग्नेचर चेक किए गए तो पता लगा सिग्नेचर मिसमैच है, तो फिर उन्होंने पड़ताड़नी की, वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की तो रोल नंबर 468 पे जो बंदा बैठा था वो कोई और बैठा था। ये जब उनको अपने पेपर लेके गए, बोरकर नाम का व्यक्ति नहीं था। फिर उन्होंने इस पर एक FIR दाखिल की। FIR दाखिल करने के बाद इंद्रजीत बोरकर नाम का जो व्यक्ति था उसको अरेस्ट किया गया। उसने बताया कि हंसराज राठौर नाम का एक व्यक्ति रिटायर्ड टीचर है, उसने हमें प्रेम सिंह राजपूत से मिलवाया था। प्रेम सिंह राजपूत और पूनम सिंह सुंदरडे, ये दो नाम के व्यक्ति से मिलवाया था, जिन्होंने एक डमी कैंडिडेट बिठाया था जिसका कि नाम है प्रताप सिंह ढोंडीराम दुलहट, जालना का रहने वाला, MPSC की तैयारी करता है। इसने जो ये पूरा चीटिंग का ये जो पूरा रैकेट है, बहुत ही एडवांस टेक्निक है इनके पास। एक ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस के बाद एक स्पाई कैमरा है। स्पाई कैमरा क्या करता है, हर 4 सेकंड पे फ़ोटो लेता है और एक ईमेल आईडी पे वो भेज देता है। ईमेल आईडी पे, जिस ईमेल आईडी पे भेजता है वो, वहाँ पर दो लोग बैठ के उस पेपर को सॉल्व करते हैं और इस ब्लूटूथ के ज़रिए, ये जो छोटा सा ब्लूटूथ है, इसके ज़रिए जो डेमी कैंडिडेट बैठा है उसको उस एग्ज़ाम के की बताते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम था फरवरी वाला, जो फरवरी 20 का एग्ज़ाम था, इसमें इसने टॉप किया था, 178 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेके ये आया था। फिर से ये एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था, जो आरोग्य विभाग का अभी पिछले संडे में जो एग्ज़ाम हो रहा था उस खुद के लिए ये बैठने के लिए वहाँ पर जा रहा था, और जब ये जा रहा था उस वक्त ही हम लोगों ने इसको औरंगाबाद से अरेस्ट किया है और उनके पूरे रैकेट को ओपन किया। थैंक यू। इस दौरान पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि नागपुर शहर में पहली बार उपरोक्त अपराध करने वाले अपराधियों के एक गिरोह को पकड़ा गया। इस मामले में आरोपी आधुनिक तकनीक की मदद से अपराध को अंजाम देने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। इस संबंध में सभी आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।